Hey, this is Kamil and you're watching Cam Design. So today I will show you how can you add shake and blur effect in your videos in VSDC free video editor. I will also add little bit zoom effect in this video. So you have to watch the whole video. If you're new on my channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon to get triple T tips, trick and tutorial. So without making any further ado, let's get started with this video. सो वेलकम इन वी एस डी सी दोस्तों. तो मैंने वी एस डी सी ओपन कर लिया है. तो सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू टेक अ ब्लैंक प्रोजेक्ट. तो मैं पहले ब्लैंक प्रोजेक्ट लूँगा, ठीक है. और ये देख सकते हैं मैंने फिट 24, ये थोड़ी वीडियो एडिट करा था उसके लिए मैं 30 fps कर लिया था, 24 fps दोबारा कर लिया मैंने फिनिश. तो मैं जिस इफेक्ट की बात कर रहा हूँ वो इफेक्ट मैंने भी बताया नहीं है. इसमें शेक इफेक्ट है और ब्लर है और थोड़ा सा ऐड करूँगा मैं जूम इफेक्ट, ठीक है, थोड़ा टच देने के लिए. तो पहले मैं दो वीडियो को आप ड्रॉप कर सकते हैं. मैं दो इमेजेस को ड्रॉप करूँगा और उन पे ही अपने इफेक्ट लगाऊँगा. तो एक इमेज ये मेरी है, एक इमेज ये है, शिफ्ट नहीं कंट्रोल. तो ये दो इमेज सेलेक्ट करके मैंने इसमें ड्रॉप कर ली. ऐड टू लेयर, यस. तो ये दोनों मैंने ऐड कर लिया. अब इन दोनों को मैं स्प्राइट के अंदर रखूँगा, कन्वर्ट टू स्प्राइट, ठीक है, ताकि इफेक्ट में लगा सकूँ इजीली. अब स्प्राइट पे भी सेटिंग में चेंज कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाके. यूज़ एज कंटेनर है तो इसको करना है नो. शो इफेक्ट्स, यस, ठीक है, ओके. चलिए पहले एक मिनट, चलो यहाँ से कर लेता हूँ. इसको आप 2.5 सेकंड कर लीजिए, ये 5 सेकंड पे सेट होगा. तो इसको आपको करना है 2.5 सेकंड, 02500, ठीक. इसको भी आपको 2.5 करना है, 2500, ठीक है. अभी इसको लाइए, इसके एंड पे कर्सर को लाइए, सीन में दोबारा आइए और यहाँ तक इसको ट्रिम कर लीजिए स्प्राइट को, ठीक है. अब इसमें हम अपना इफेक्ट लगाएंगे, ठीक. तो सबसे पहला इफेक्ट है जो वो शेक इफेक्ट है. तो एडिटर में यहाँ से आइए, वीडियो इफेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म में आइए, शिफ्ट, शिफ्ट इफेक्ट पे ये होल पैरन है. फ्रॉम कर्सर पोजीशन से अगर हम बात करें तो हमको इसको लगाना है केवल बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए, 0.5 है, ये बहुत ज़्यादा है, 0.50, ठीक. तो ये हो गया. अब इसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गए हम, या इसकी ड्यूरेशन हम और बढ़ा लेते हैं. इसको हम कर लेते हैं 100, कर लीजिए, ठीक, 200 कर लिया. अब ये प्रोसेसिंग एक्स लेवल पूछ रहा है, कितना एक्स लेवल में मूव करेगा. ये इधर मूव कर रहा है अभी 100 में, और वाई शिफ्ट कितना लेवल होगा, 100% है. तो इसको, ये सीधा है ना, तो इसको इंक्लाइन करेंगे, इसको भी इंक्लाइन. इस वाले को हम रखेंगे पहले वाले को 0 और फिर लेंगे -10. आप 20 भी माइनस कर सकते हैं, आप 30 भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. 0 -10, ठीक है. अब इसको ही कॉपी करिए और पेस्ट करिए, ठीक. ड्यूरेशन इसकी उतना ही रखिए आप,
इसकी भी 100 करिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में दोबारा आइए। अब ये जो -10 है इसको आपको इसका माइनस हटा देना है, +10। ठीक, अब इन दोनों को सिलेक्ट करिए, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक, Ctrl+V, इसको एक के बाद एक लगा लीजिए, एक के बाद एक लगा लीजिए। ठीक है, तो ये शेक इफेक्ट हो गया। अब इसको हम देखते हैं, ठीक है, और ड्यूरेशन कम कर देंगे तो ये और तेज़ी से और रैपिडली आपको इफ़ेक्ट लगेगा। और भी अगर वी करना है तो और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस लेयर को सिलेक्ट करके आप आगे पीछे कर सकते हैं इसको। अब उसके बाद मैं लगाऊंगा ब्लर, तो ब्लर आप में एडिटर में आइए, वीडियो इफेक्ट्स, फिल्टर्स में आइए और लीजिए गॉशियन ब्लर। ठीक है, गॉशियन ब्लर लीजिएगा और अभी होल पैन कर लीजिए, हम सेट कर लेंगे उसको। और इसकी ट्रांसपेरेंसी क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो ये लेवल है इसका, इसको 70% कर लीजिए या 50% कर लीजिए। ठीक, अब इस ब्लर को आपको इसी के हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक, देखते हैं हम। ठीक, अगर आपको ड्यूरेशन ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब अगला हम क्या थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसमें हम जूम इफेक्ट भी हल्का सा डालेंगे। तो जूम के लिए ट्रांसफॉर्म में आइए एंड जूम होल पैन रहने दीजिए, ओके करिए और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आइए, इसकी ये इसका जो लेवल्स है इस पर क्लिक करिए और आपको 110% कर लीजिए। ठीक, और उसके बाद इसके ही अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए अपना। प्ले करते हैं हम। ठीक, अब अगर आपके पास कोई म्यूज़िक है तो म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो म्यूज़िक चलिए हम निकालते हैं। सॉरी, तो मेरा म्यूज़िक था कंट्रोल से, मैंने डाउनलोड किया था, मोबाइल फ़ोन का वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे ड्रॉप करूँ, ठीक है, वहीं पे ले जाना है आपको वाइब्रेशन मोड को। ठीक, फिर इसको प्ले करिए। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया, और भी मैंने म्यूज़िक लगाया है, आपने सुना होगा स्टार्टिंग में। ठीक, तो इस तरह से आप शेक ब्लर इफ़ेक्ट, अपना ट्रांजिशन इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।